सबके मैं सुमित और आप लोग देख रहे हैं टेक्नोसुमित यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप में कलर चेंज करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों व्हाट्सएप में डार्क मोड तो बहुत दिन पहले ही आ चुका है, आप लोगों को अगर अभी तक नहीं मिला तो आप लोग अपना व्हाट्सएप को अपडेट कीजिए प्ले स्टोर से, तो उसके बाद आप लोगों को थीम का ऑप्शन मिल जाएगा और आप लोगों को डार्क मोड का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं आज आप लोगों को व्हाट्सएप में 4-5 कलर सेट करके दिखाऊँगा, जो कि आप लोगों को कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करना नहीं है, आप लोगों को कोई भी अलग टाइप का व्हाट्सएप इंस्टॉल करना नहीं है। आप लोगों के मोबाइल पे जो भी व्हाट्सएप ऐप है आप लोग उसी में इतना सारा कलर सेट कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को एक ऐप तो डाउनलोड करना है, लेकिन आप लोग पहले इसे डाउनलोड मत कीजिए, पहले आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, नहीं तो आप लोग इसे सेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई थर्ड पार्टी का व्हाट्सएप नहीं है जिसे आप लोग इंस्टॉल करते ही आप लोगों के व्हाट्सएप में दूसरा कलर या थीम आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और उसके बाद अपने व्हाट्सएप में कलर चेंज कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप का कलर चेंज करने के लिए आप लोगों को सिर्फ एक क्लोनर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप लोग मल्टी अकाउंट के लिए इस्तेमाल करती हैं, और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप लोग को प्ले स्टोर में ही मिलेगा, क्योंकि ये प्ले स्टोर का वेरीफाइड किया हुआ ऐप है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोग इसे ओपन कर लीजिए। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, जिसका नाम है क्लोन ऐप। तो आप लोग देख सकते हैं ऐप ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, तो आप लोग इसे अलाउ कर दीजिए। और उसके बाद आप लोगों को VPN डाटा पैकेज का 200 MB रिवॉर्ड मिला है, तो आप लोग इसे रिसीव कर लीजिए। तो दोस्तों व्हाट्सएप का कलर चेंज करने के अलावा इसमें बहुत सारा ऑप्शन है आप लोगों को सेट करना है, जो कि आप लोग इसके लिए अपना ईमेल पहले सेट कर लीजिए। तो मैं अभी ईमेल को सेट नहीं किया है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले व्हाट्सएप का कलर चेंज करके दिखाऊंगा। ऐप ओपन होने के बाद आप लोगों को व्हाट्सएप में क्लिक करना है, तो व्हाट्सएप का एक क्लोन आप लोगों के फ़ोन में आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्लोन बन चुका है, और उसके बाद आप लोगों को एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों वेट, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि आप लोगों के मोबाइल पर पहले से ही एक व्हाट्सएप का अकाउंट है, तो आप लोगों को दूसरा अकाउंट नया यहाँ पे क्रिएट क्यों करना है। तो आप लोग पहले अपना पुराना वाला व्हाट्सएप अकाउंट को बैकअप कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग उसे डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके आप लोग सेम नंबर से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और उसके बाद आप लोगों का जो बैकअप फाइल है उसे अपलोड कर लीजिए, तो आप लोगों का पुराना अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद आप लोग इसे लॉगिन कर दीजिए। तो मैं इसे फटाफट लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कलर चेंज करके। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है, और मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर लेता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ओपन हो चुका है। तो इसके बाद आप लोग बैक कर लीजिए, और उसके बाद ऊपर आप लोगों को कलर थीम का एक ऑप्शन दिख रहा है, जिसका आइकॉन व्हाट्सएप का तरह है कलरफुल, तो इसे आप लोग क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ प्रीमियम भी है जिसे आप लोग शेयर करके सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फ्री कलर सेट करके दिखा देता हूँ, तो ब्लैक गोल्डन को मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। और कलर सेट करने के बाद आप लोग बैक कर लीजिए, और फिर से व्हाट्सएप को ओपन कीजिए। तो आप देख सकते हो व्हाट्सएप का कलर चेंज हो चुका है यहाँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रीमियम कलर सेट करके दिखा देता हूँ, जिसका ऊपर लॉक का आइकॉन लगा हुआ है, तो इसके लिए आप लोग उस पर क्लिक कीजिए और शेयर टू गेट पे क्लिक कीजिए, और किसी को भी आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आपने जिसको ये शेयर किया है अगर वो इसे डाउनलोड भी ना करें तब भी आप लोगों को एक दिन के लिए ये कलर मिलेगा। आप लोग जितना बार इसे शेयर करेंगे आप लोगों को एक दिन करके ज़्यादा मिलेगा। तो इसके बाद आप लोग इसे सेट कर लीजिए, और फिर से आप लोग व्हाट्सएप को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो व्हाट्सएप का कलर यहाँ पे पूरा चेंज हो चुका है, और ऐसे करके आप लोग प्रीमियम कलर को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं एक दिन के लिए। तो इसके बाद आप लोग बैक कर लीजिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ पे जो फ्री VPN है वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए आप लोग VPN पे क्लिक कीजिए, तो आप लोगों को पता ही होगा VPN कनेक्ट कैसे करना है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे गेट फ्री डेटा पे क्लिक कीजिए। अगर आप लोगों के पास कोई भी इनविटेशन कोड है तो आप लोग यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर सकते हैं, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा इनविटेशन का। और उसके बाद आप लोग अगर किसी को इनवाइट करते हैं तो आप लोगों को 1 GB से 500 MB डाटा मिल सकता है फ्री, और उसके बाद आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे आप लोग माई इनकम का ऑप्शन देख सकते हैं, आप लोग इसे जितना शेयर करेंगे उतना आप लोगों को डेटा मिलेगा, और उसके बाद आप लोग इस VPN को यूज़ कर सकते हैं फ्री में। उसके बाद आप लोग बैक कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को प्राइवेसी आइकॉन यहाँ पे दिख रहा होगा, आप लोग व्हाट्सएप का आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं, फेसबुक का आइकॉन भी चेंज कर सकते हैं।
जिस भी आपका आप लोगों को आइकन चेंज करना है आप लोग यहाँ से फेक आइकन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है मैजिक स्टिकर का, तो आप लोग इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद एग्री एंड ओपन पर क्लिक कीजिए, तो आप लोगों का व्हाट्सएप फिर से ओपन हो चुका है। तो आप लोग जब भी किसी कॉन्वर्सेशन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के साइड में ऐसा आइकन आ जाएगा, तो आप लोग जब आइकन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने तीन ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आप लोग जब भी इस पर क्लिक करेंगे आप लोग जिससे बात कर रहे हैं उसके फ़ोन में एक ऐसा एनिमेशन फ़ोटो इमोजी चला जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे तीन इमोजीज का ऑप्शन मिलता है, आप लोग तीनों को यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोगों को अगर मैसेज रिसीव करना है तो आप लोगों को बार बार कोलोन ऐप को ओपन करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग अगर कोलोन ऐप को इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा रिसीव मैसेज, तो ये टर्निंग ऑन ही रहेगा। और जब भी कोलोन ऐप का व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज रिसीव होगा तो आप लोगों के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे आप लोगों का व्हाट्सएप में आता है। तो दोस्तों ये था व्हाट्सएप का कलर चेंज और कोलोन ऐप का चार फीचर, जिसे इस्तेमाल करके आप लोग अपना व्हाट्सएप को कूल और स्टाइलिश बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।